नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। असम विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ बीजेपी के गठबंधन ने 126 में से 75 सीटें जीत दर्ज कर सत्ता में जबरदस्त वापसी का कारनामा कर दिखाया। लेकिन अगर असम में बड़े मतों से जीत के अंतर की बात करें तो कांग्रेस और बदरुद्दीन अजमल के गठबंधन AIUDF के उम्मीदवारों ने बाजी मारी। असम में कुल 8 प्रत्याशियों ने 1,00,000 से भी ज्यादा मतों के अंतर से प्रतिद्वंदियों को हराया। इनमें 5 प्रत्याशी कांग्रेस AIUDF के रहे। अजमल की पार्टी AIUDF ने तो 100% रिजल्ट दिया। यही नहीं, सबसे बड़ी जीत का सहरा भी AIUDF उम्मीदवार के सिर बंधा। बीजेपी और AIUDF के 3-3 और कांग्रेस के 2 प्रत्याशियों ने 1,00,000 से ज्यादा मतों के अंतर से चुनाव जीता। AIUDF ने महागठबंधन के तहत 16 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे और अपने कोटे की सभी सीटों पर जीत दर्ज की। बिलासीपारा वेस्ट सीट से हाफिज बशीर अहमद से AIUDF ने निर्दलीय उम्मीदवार अली अकबर मियां को 59,758 वोटों से हराया। बिजनी से बीजेपी के अजय कुमार रे ने बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के कमाल सिंह नरजारी को 1,003 वोटों से हराया। डींग सीट से अमीनुल इस्लाम ने निर्दलीय प्रत्याशी महबूब मुख्तार को 1,02,967 वोटों के अंतर से हराया। दिसपुर से बीजेपी प्रत्याशी अतुल वोरा ने कांग्रेस के मंजीत महंत को 1,21,657 मतों से हराया। असम में मुख्यमंत्री पद के दावेदार और राज्य के वित्त मंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने जालुकबारी सीट से कांग्रेस को रोमेन चंद्र बोर ठाकुर को 1,01,911 वोटों से पराजित किया। शर्मा ने लगातार 5वां चुनाव जालुकबारी से जीता। जमुनामुख सीट से सिराजुद्दीन अजमल ने अगत के सादिक उल्ला भुइया को 1,18,560 वोटों से हराया। जानिया सीट से AIUDF के रफीकुल इस्लाम ने बीजेपी के शाहिदुल इस्लाम को 1,44,175 वोटों से हराया। जोनाई सीट से भूपन बेगू ने कांग्रेस के हेमा हरी प्रसन्ना बेगू को 1,10,987 वोटों से हराया। रूपोही हाट सीट से नुरुल हुदा से बीजेपी के नासिर हुसैन को 1,06,352 मतों से हराया। सलमारा साउथ से कांग्रेस के वाजिद अली चौधरी ने निर्दलीय नुरुल इस्लाम मौला को 1,35,574 वोटों से हरा दिया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।